वालेकुम सलाम। हम भी कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? हम ये स्क्रीन ऑन हो गई स्क्रीन आपकी स्क्रीन बेटा शेयर हो चुकी है। यस मैम, हो रही है शो। जी मैम, हो चलिए ठीक है बेटा, पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 9। लेक्चर नंबर 9 जो है वो लेक्चर नंबर 8 का पार्ट है। ठीक है, ठीक है। बैकअप सिस्टम आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर भी याद होगा, ठीक है, जिसमें हमने प्रीरिक्विजिट प्रोग्राम पढ़ा था और बैकअप प्लान पढ़ा था। ठीक है, तो रिवीजन के लिए मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। प्रीरिक्विजिट फॉर्म में हम लोग क्या करते होते हैं, प्रीरिक्विजिट फॉर्म मोस्टली रिलेटेड होता है जहाँ पे जितनी प्रोडक्शन वगैरह हो रही होती है। ठीक है, जो प्लांट होता है आपके पास, ठीक है, जो आपके पास प्लांट के अंदर मशीनरी होती है, ठीक है, उन चीजों के साथ रिलेट करता है, खाने के साथ रिलेट नहीं करता। और जो हैकअप प्लान होता है उसका क्या काम होता है, वो रिलेट करता है जो आपके पास रॉ प्रोडक्ट होता है जिसकी आपने प्रोसेसिंग फर्दर करनी होती है, जिसमें से आपने एक फाइनल प्रोडक्ट बनाना होता है। ठीक है, लेट सपोज अगर आपके पास है मैंगोस है तो मैंगोस की प्यूरी बनानी है या फिर उसके स्क्वाश बनाना है, तो ये आपके पास हैकअप प्लान में आएगा। ठीक है, बट जो मैंगो की प्यूरी बनाने के लिए जो मशीनरी यूज हो रही है, ठीक है, या जो वहां पे जो सप्लाई सिस्टम है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो प्री रिक्विजिट फॉर्म के अंदर वो चीजें आएंगी। ठीक है, अब हैकअप प्लान की एग्जांपल हमारे पास ये है कि बायो सिक्योरिटी। ठीक है, हम पिछले लेक्चर में याद है क्या होता है हमारे पास, बायोलॉजिकल जो आपका प्लान होता है वो देखेंगे, पेस्ट कंट्रोल देखेंगे, इसमें सैनिटेशन और एसओपीज जो होते हैं आपके पास। ठीक है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या हो सकती है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अगर हम लोग पेस्ट का देखें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपनी जो वेयर हाउस है या जो हमारा स्टोरेज हाउस है उसकी दीवारों को देख लो, उसमें कोई होल्स वगैरह तो नहीं, उसमें कोई क्रैक्स वगैरह तो नहीं है। ठीक है, ये चीजें देख सकते हैं। एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग में हम लोग टेम्परेचर चेक देख सकते हैं। ठीक है, लेट सपोज अगर हमने वहां पे, लेट सपोज जो कोई बहुत ही बड़ा कोई फाइव स्टार रेस्टोरेंट है और उनका डिजर्ट स्टोरेज का जो एरिया होता है जहाँ पे वो केक्स और इस तरह की चीजें रखते हैं, तो उसका टेम्परेचर कैसा है, ये एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग में आ जाएगा। ठीक है, अगर समर्स है तो उसको कितना चिल रखना है। ठीक है, इसके बाद जीएमपी है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, आपने टॉक्सिकोलॉजी में पढ़ा था, इसमें भी आप लोग याद होगा, आप लोग गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के अंदर क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप जितने भी आपने कोई भी स्टेप या एक्शन लेना होता है उसकी वेरिफिकेशन करनी है, उसकी एक्यूरेसी चेक करनी होती है। ठीक है, ठीक है, रिक्विजिट प्री रिक्विजिट प्रोग्राम के अंदर क्या क्या आ जाता है, आपने ट्रांसपोर्टेशन और अपनी स्टोरेज देखनी है। ठीक है, अपने प्रीमिसेस देखने हैं जो उसका सराउंडिंग एरिया है, सप्लायर क्वालिटी इंश्योरेंस देखनी होगी। ठीक है, जो सप्लाई है, जो रॉ मटेरियल आपके पास आ रहा है, लेट सपोज आप आटा कहीं आपकी केक की फैक्ट्री और आप आटा कहीं से मंगवा रहे हो, ठीक है, तो उसकी इंश्योरेंस करनी होती है, वो देखना होता है, रिकॉल करना होता है, जब आप अपने सारे स्टेप्स कर लेते होते हैं फिर उन स्टेप्स को रिकॉल करना होता है कि जी ये वाले स्टेप्स ले लिए थे, कोई चीज मिसिंग तो नहीं है या किसी चीज की एडिशन तो नहीं होगी। ठीक है, फिर पर्सनल ट्रेनिंग आ जाती है। ठीक है, जैसे हम लोग टीचर्स हैं तो कुछ अर्से बाद हमारे लिए क्या होता है, सेमिनार्स वगैरह होते हैं या फिर हमारे ट्रेनिंग सेशन होते हैं। ठीक है, या फिर अगर आप देख लें जो भी आप फील्ड देख लें, ठीक है, उसमें ट्रेनिंग वगैरह होती है, या अगर फोर्सेस को उठा के देख लें, जब नए कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसकी उनकी एक्सरसाइजेस होती हैं उस बारे में, लाइक लेट्स सपोज वॉर की एक्सरसाइजेस वगैरह होती है जब कोई नए इक्विपमेंट कोई नई आर्म अम्यूनिशन उनके पास आती है। ठीक है, इसी तरह जब रेस्टोरेंट्स हैं कोई नई चीज जब वो अब इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो उसके लिए जरूरी है कि वो पर्सनल ट्रेनिंग करेंगे। लेट्स सपोज कोई रेस्टोरेंट था और उसने अगर अपनी मैक्सिकन लाइन अभी स्टार्ट कर दी तो एक तो वो पर्सनल हायर भी ऐसे करेंगे जिनको वो वाली कुकिंग आती हो, ठीक है, या फिर अगर नहीं भी आती तो वो उनको कल्नरी की वो वाली ट्रेनिंग देंगे ताकि वो मैक्सिकन फूड बना सके। ठीक है, इसके अलावा एलर्जन कंट्रोल, ठीक है, एलर्जन कंट्रोल और सैनिटेशन और पेस्ट कंट्रोल ये एक के अंडर भी आ सकते हैं। ठीक है, जब आपने डिसइंफेक्शन करनी है तो आपने इन सारी चीजों को डिसइंफेक्ट कर देना होता है। ठीक है, इक्विपमेंट का चेक है आपने रखना होता है। ठीक है, इक्विपमेंट का चेक इसलिए रखना होता है कि जब आपने एक चीज की प्रोसेसिंग स्टार्ट करनी है तो आपकी मशीनरी जो है वो आपके स्टैंडर्ड्स को मीट करती हो। ठीक है, ये सारी चीजें आ जाएंगी इसके अंदर।
पीआरपी यहाँ पे थोड़ी ज्यादा एक्सप्लेन है, पिछले लेक्चर में इतनी एक्सप्लेन नहीं थी हमारे पास. ठीक है, पीआरपी क्या होती है, इम्प्लीमेंटेड कहाँ इम्प्लीमेंट होती है हमारे पास, हैकअप से पहले. जब आपने हैकअप का कोई प्लान बनाना होता है तो पीआरपी उससे पहले आपने बनानी होती है. ठीक है, प्रीरिक्विजिट आप इस तरह कह रहे कि जैसे आपके एग्जाम से पहले 9th, 10th में या फर्स्ट या सेकेंड में प्रेप्स होती थी. ठीक है, तो आपने जो एग्जाम में करना होता था, आप एग्जाम नाइट पे एग्जैक्टली बहुत अच्छा वाला काम तो हम एग्जाम नाइट पे करते हैं, पर प्रेप्स में क्या होता है, हमने अपने थोड़े से कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर करने होते हैं. तो पीआरपी भी इसी तरह है कि आपने थोड़े से अपनी चीजों को रखना होता है, जो आपकी कमियां बेशियां हैं, जो आपके वीक पॉइंट्स होते हैं, उनको आपने स्टेबलाइज करना होता है पीआरपी के अंदर. ठीक है, इसके अंदर क्या है, वही वाली बातें हैं, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है. अब वाटर क्वालिटी हम लोग कहाँ पे देखेंगे. ठीक है, वाटर क्वालिटी, लेट सपोज आपको कोई जूस की कंपनी है, तो आप जो जूस बनाओगे तो वो जूस सिर्फ जूस तो नहीं होगा ना, क्योंकि अगर आप बिवरेज बना रहे हो, इफ यू आर नॉट मेकिंग अ पल्प बट यू आर मेकिंग अ बिवरेज, उसके लिए आपको पानी की जरूरत होगी. तो वो जो वाटर क्वालिटी है, ये जो वाटर वहां पे आएगा पानी, ठीक है, सप्लाई जो है उसको आप लोगों ने देखना है. ठीक है, इसके अलावा आपने ट्रांसपोर्टेशन देखनी है. लेट सपोज आपका जूस बन गया या व्हाटएवर जो भी था, फिर उसकी ट्रांसपोर्टेशन आपने कैसे करनी है. लेट सपोज कभी कभार ऐसा होता है कि जो यूनिट प्रोडक्शन एरिया होता है ना, वो आपके स्टोरेज एरिया से दूर होता है. ठीक है, लेट सपोज आपका जो प्रोडक्शन एरिया है वो आपका झंग के करीब है, और आपका जो स्टोरेज एरिया है वो कहीं लाहौर या फिर झंग और लाहौर के बीच के रस्ते में कहीं पे पड़ता है आपके पास. ठीक है, तो आप लोगों ने अपने ट्रांसपोर्टेशन देखने, तो आपके पास अगर लेट सपोज अगर वो बिवरेजेस हैं, ठीक है, तो उसकी टेम्परेचर वगैरह जब ट्रांसपोर्टेशन के ड्यूरिंग भी उसकी अच्छी होनी चाहिए. ठीक है, तो जो आपका ट्रांसपोर्ट कार है, ट्रक है, वट एवर है, वो अंदर से आपके पास फैसिलिटेड होना चाहिए, उसके अंदर टेम्परेचर कंट्रोल होना चाहिए, एसी वगैरह होना चाहिए. ठीक है, देन बात आएगी स्टोरेज पे, आपके वेयर हाउस पे. ठीक है, अगर घर है तो रेफ्रिजरेटर वगैरह है, अगर बहुत कुछ बड़े पैमाने पे कोई यूनिट है तो उसका फिर वेयर हाउस होता है, तो उस वेयर हाउस में स्टोरेज किस तरीके से करनी है, अगर ड्राई इंग्रीडियंट्स है तो कैसे करना है, अगर वेट है तो किस तरीके से उसकी करनी है. ठीक है, तो उसकी सारी हम क्वालिटी देखेंगे और क्वांटिटी. क्वालिटी और क्वांटिटी डिपेंड करती है आपके स्टोरेज एरिया पे. ठीक है, अगर आपकी समटाइम्स हो सकता है आपकी क्वालिटी बड़ी अच्छी हो पर आपकी क्वांटिटी ज्यादा और आपकी स्टोरेज एरिया में इतनी जगह ना हो, ठीक है, तो उस वजह से भी स्पॉयलेज होने के चांसेस है आपके पास. ठीक है, प्लांट की सैनिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपके प्लांट सैनिटाइज नहीं है या उसमें आपने डिसइंफेक्शन नहीं की हुई, तो जो फाइनल प्रोडक्ट आप लोग बनाओगे और जब वो मार्केट के अंदर जाएगा तो आपके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम कॉज कर सकते. ठीक है, बहुत अर्सा पहले लाहौर में जो स्प्राइट का जो यूनिट है, प्रोडक्शन यूनिट है, उसमें इस तरह की केसेस आना शुरू हुई थी कि बॉटल्स के अंदर फंगस थी या बॉटल्स के अंदर लिजर्ड्स थी. वो क्यों थी कि वो जो ना तो वो हैकअप के रूल्स को, हैकअप का जो प्रोग्राम होता है उसको ना फॉलो नहीं कर रहे थे. सेकेंडली फिर उनका पेस्ट कंट्रोल भी अच्छा नहीं था, उनकी बायो सिक्योरिटी भी अच्छी नहीं थी, उनकी सैनिटेशन भी अच्छी नहीं थी, फिर उनके ऊपर रेड वगैरह हुए थे, फिर इस चीज को रिकवर या उसके खिलाफ फिर करेक्टिव एक्शन लिए गए थे. ठीक है, एम्प्लॉय ट्रेनिंग में डिफरेंट आ जाता है, वो ट्रेनिंग आपकी डेली बेसिस पीरियोडिकली भी हो सकती है, ठीक है, कुछ अर्से के बाद भी हो सकती है, 6 महीने की बेसिस पे भी हो सकती है, डेली भी आप एक फिक्स टाइम रख के अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे सकते हो. ठीक है, लोकेशन एंड कंस्ट्रक्शन. ठीक है, व्हेन एवर यू आर मेकिंग एनी कंपनी, और जो अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस स्टार्ट करने लगे, तो सबसे पहले आप उसकी लोकेशन देखते, फिर आप कंस्ट्रक्शन मोड देखते. ठीक है, कंस्ट्रक्शन मोड इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, आप जब कोई जगह कंस्ट्रक्ट करोगे तो आप अपने माइंड में रखोगे कि यहाँ पे अगर गेस्ट आते हैं या जो कस्टमर आते हैं तो उनकी सिटिंग अरेंजमेंट, उनका कंफर्ट लेवल, फिर अपना देखना होता है आप लोगों ने कि आप किचन कहाँ पे करेंगे और किस तरीके से करेंगे, ताकि वो कस्टमर के सामने इतना ओपन ना हो. वो अलग बात है, कुछ लोग कुछ कैफेज, बल्कि मोस्टली कैफेज के अंदर ओपन किचन जो होते हैं, सामने ही कस्टमर के सब कुछ कर रहे होते हैं. ठीक है, लोकेशन आप अपनी इकोनॉमी या अपने बजट या अपने फ्यूचर में आने वाले इनकम को देखते हुए करोगे. ठीक है, आप अपनी यूनिवर्सिटी के पास देख लें, ये एक बेस्ट लोकेशन है आपकी यूनिवर्सिटी के पास फूड पॉइंट्स के लिए. क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं, डे स्कॉलर्स आते हैं, चले जाते हैं, बट क्या होता है वो फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना बहुत महंगा, तो चाय कॉफी वगैरह चलती रहती है. ठीक है, इसके अलावा फिर यहाँ पे हॉस्टल्स बहुत ज्यादा है और उस तरह भी उनका बिजनेस बहुत ज्यादा चलता है, क्योंकि डे स्कॉलर्स तो चले चले जाते हैं, पर जो हॉस्टलाइज होते हैं वो हैंग आउट करते हैं, बाहर जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा होगा स्टार्टिंग में, आज से 2 साल पहले जब मैंने इधर जॉब स्टार्ट की तब यहाँ पे कुछ भी नहीं था, और अभी आप देख लें तो मतलब डिस्टेंस के बगैर ही यहाँ पे बहुत सारे फूड पॉइंट से हर किस्म के. ठीक है, तो लोकेशन एंड कंस्ट्रक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं आपके पास. ठीक है, अब अगर आप वेयर हाउस की लोकेशन देख लें, यहाँ पे आप देख लें, ये अगर वेयर हाउस, लेट्स सपोज आपका वीट फ्लोर का वेयर हाउस है, तो आपने उसकी लोकेशन इस तरीके से करनी है कि उसके ऊपर सनलाइट आती हो. ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लें,
ये फिर फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है, एक आपका इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लोकेशन है, सेकंड ये आपका फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, ठीक है। आपने ऐसी जगह पे अपना वेयर हाउस या अपना स्टोरेज हाउस बनाना होता है, लेट सपोज अकॉर्डिंग टू योर मटेरियल, अगर मटेरियल आपका इस टाइप का है जैसे फ्लोर हो गया या फिर पोटैटोज आपने स्टोर करके रखने हैं, तो वो ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पे कलर और लाइट की स्टेबिलिटी होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। अच्छा, स्टोरेज क्या करती है, आपको जो स्टोरेज एरिया होता है वो डिटरमिन करता है आपकी क्वालिटी को, वो कैसे, अगर आपका आपकी कोई पेरिशेबल चीज है और उसको स्टोरेज एरिया के टेम्परेचर ठीक है, उसकी स्टोरेज एरिया की स्पेशियस है, ठीक है, स्पेस ज्यादा है, ठीक है, वो क्या करते हैं आपकी चीजें सही रहती है। लेट सपोज आपने बनाना स्टोर करने, तो बनाना के लिए आपके पास एक अच्छा टेम्परेचर होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा गर्म हो तब भी बनाना आपके पास डिटोरिएट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा ठंडा हो तो भी आपके पास बनाना का जो आउटर जो स्किन होती है, बनाना का पील होता है, उसका कलर खराब हो जाता है, ठीक है। तो दैट्स हाउ आपका जो स्टोरेज एरिया है वो आपकी क्वालिटी को डिटरमिन करता है, ठीक है। नीड फॉर क्वांटिटी, आपके पास स्पेशियस होनी चाहिए, ठीक है। स्पेशियस का फायदा क्या होता है कि आप एक टाइम पे बहुत सारी प्रोडक्शन करके उसकी स्टोरेज कर सकते हो, वरना तो क्या होगा आपको बहुत स्मॉल बैचेस में अपनी प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, अगर ड्राई फ्रूट स्टोर रूम है तो शुड बी लोकेटेड नियर द रिसीविंग एरिया एंड क्लोज टू मेंटेन प्रोसेसिंग एरिया, ठीक है। अगर आपके पास कोई ड्राई स्टोरेज है, ठीक है, लाइक सपोज चावल वगैरह है और आपने उसके चिप्स या इस तरह की कोई चीज बनानी है, ठीक है, तो वो रिसीविंग एरिया और फिर प्रोसेसिंग एरिया के करीब होना चाहिए ताकि वो आपके पास उसके अंदर, क्यों ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अगर ड्राई इंग्रेडिएंट है तो वो अगर दूर होगा स्टोर रिसीविंग एरिया से प्रोसेसिंग एरिया तक, तो उसको में के अंदर मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के चांसेस ज्यादा होंगे, ठीक है। तो आपने कम से कम फासला रखना है ताकि अगर उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती भी है तो वो इतना मॉइस्चर जो है एनवायरमेंट से वो अपने अंदर एब्जॉर्ब ना करे। द एरिया ड्राई एंड कूल क्या करता है, प्रिवेंट स्पॉइलेज एंड द आइडियल टेम्परेचर रेंज शुड बी बिटवीन 10-15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। स्पॉइलेज प्रिवेंट करेगा, मॉइस्चर प्रिवेंट करेगा, मॉइस्चर की एब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करेगा। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, टेम्परेचर आपने रखना है 10-15 डिग्री के बीच में या 10-15 डिग्री। ठीक है, स्टोरेज शुड बी इजी टू कीप क्लीन, फ्री फ्रॉम रोडेंट्स एंड वर्मिन। वर्मिन क्या होते हैं, जो जंगली आपके पास जानवर होते हैं, जंगली जानवर में स्क्विरल की एग्जांपल ले लें, ठीक है, वैसे तो सिटीज में कहीं भी अंदर होता है, बट स्क्विरल्स हो गए या फिर चिपमंक्स वगैरह हो गए, ठीक है, इस तरह की चीजें जो आके आपके स्टोरेज एरिया के अंदर इंक्लूड करके कुछ चीजें खा सकते हैं, ठीक है। वॉल सीलिंग एंड फ्लोर ओपनिंग शुड बी सील्ड एंड प्रोटेक्टेड टू प्रिवेंट एसेस, अगर आपको कहीं नजर आए कि आपके दीवारों के अंदर क्रैक्स या होल्स वगैरह है तो उसको फॉरन से पहले आपने बंद कर देने की, उसकी वजह से चींटियां भी बहुत ज्यादा आ सकती हैं, इसके अलावा इस तरह के एनिमल्स या पेस्ट जो है वो अटैक कर सकते हैं आपकी स्टोरेज एरिया पे, ठीक है। फ्लोर एंड सीलिंग एंड वॉल्स आप देख लें, ठीक है, क्लेरेबल ड्यूरेबल एंड प्रीशियस टू मॉइस्चर, ठीक है, इस तरह की जो आपके पास लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे क्या है, क्रैक्स हैं विच अलाउ बैक्टीरिया एंड मोल्ड एक्युमुलेशन। तो वेयर हाउसेज आपके पास इस तरीके से होने चाहिए, क्लीन एंड क्लियर, ठीक है, साफ सुथरे। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे ये कि रोल अप डोर्स होने चाहिए, रोल अप डोर्स क्यों होने चाहिए, क्योंकि रोल अप डोर्स आपके पास उसके अंदर, रोल अप डोर्स के अंदर आपके पास इंट्रूडर्स जाने के चांसेस कम होते, ठीक है, अगर आप दरवाजा लग, अच्छा हमारे यहाँ जो बहुत ही लोकल और डी ग्रेड, बल्कि डी से भी एफ जी ग्रेड की जो कंपनीज होती है, उन्होंने क्या किया होता है, घरों के अंदर ही छोटे छोटे कमरों के अंदर ही बस ये चीजें बनाना शुरू की होती हैं, तो उसके अंदर फिर बाल और इस तरह की जो फॉरेन पार्टिकल्स और जर्म्स और बैक्टीरियाज और इवन छिपकलियां और कॉकरोच की सारी चीजें अंदर जा रही होती हैं, ठीक है। सो इस पर्पज के लिए जो बड़े वेयर हाउस होते हैं उनमें मोस्टली क्या होता है, उनमें रोल अप डोर्स लगाए होते हैं जो कि स्लाइड कर जाए और वो इजिली बंद हो जाए, ठीक है, जिसमें मतलब आपको मुड़ के कुंडी वगैरह ना लगानी पड़े, ठीक है। लाइट रिक्वायरमेंट, ठीक है, लाइट रिक्वायरमेंट यहाँ पे टर्म्स यूज किया हुआ है ल्यूमिनस फ्लेक्स, ठीक है, ल्यूमिनस फ्लेक्स जो होता है वो एक तो आपके पास जो स्टैंडर्ड लाइट आती है किसी स्पेसिफिक पॉइंट को उसको भी बोलते हैं, दूसरा इसका पर्पस ये होता है कि जो कलरिंग है किसी भी चीज की, जो कलर इंटेंसिटी है उसको मैयर करने के लिए ल्यूमिनस फ्लेक्स या ल्यूमिनस इंटेंसिटी देखी जाती है, ठीक है। ये वैसे मुझे लगता है क्लास एट की जो जनरल साइंस होती है ना उसमें भी ये सारा फैक्टर है, बट बेसिक ल्यूमिनेसिटी चेक करने के लिए ल्यूमिनस फ्लक्स होता है कि किसी एक सर्टन पॉइंट पे जब लाइट की रेज आती है, ठीक है, किसी पर्पस के लिए, जैसे ऊपर वाली स्लाइड में वेयर हाउस के ऊपर जो सन था
वो एक स्पेसिफिक एरिया को हिट कर रहा था, तो ये हिटिंग ऑफ लाइट एट द स्ट्रेट एंड वन पॉइंट इज नॉन एज ल्यूमिनस फ्लक्स. ठीक है, जहां पे आप स्टैंडर्ड लाइट देखते हो रिफ्लेक्शन उसका. ठीक है, मतलब दैट लाइट शुडंट स्टे देयर, बट वो आपके पास जैसे आपके पास माइक्रोवेव होता है, ठीक है, वो आपके खाने को हीट कर देता है पर वो आपके खाने के अंदर स्टे नहीं करती वो वेव्स. ठीक है, इस तरह ल्यूमिनस फ्लक्स भी है, वो धूप आनी चाहिए पर वो धूप की जो यूवी रेज है वो आउट भी होनी चाहिए. ठीक है, वहीं पर स्टे नहीं करनी चाहिए. ठीक है, रिकमेंडेड लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है आपके पास फूड इक्विपमेंट स्टोरेज एरिया में, आपके पास जो LUX है लक्स इसको बोल सकते हैं, वो 110 टू 150 होना चाहिए. डिश वॉशिंग वगैरह के लिए 200 टू 300 है. फूड प्रिपरेशन सर्फिस के लिए 500 होनी चाहिए, और जो बिल्कुल लॉजिस्टिक वालों के काम जो होते हैं, ठीक है, उनमें 600 टू 1200 होने चाहिए. फिर इसी तरह क्रोमामीटर है. क्रोमामीटर जो है वो आप कलर जो फूड कलर होता है उसको चेकिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं क्रोमामीटर. ठीक है, इसी तरह इल्यूमिनेस लक्स जो है आपके पास, ये इल्यूमिनेस स्पेक्ट्रोमीटर है. ल्यूमिनेस लक्स लाइट के लिए है, क्रोमामीटर कलर के लिए है. जो इल्यूमिनेस स्पेक्ट्रोमीटर है, ठीक है, ये कलर एंड लाइट बोथ देखता है. ये हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी है. ठीक है, स्टॉक रोटेशन. ठीक है, जब आप स्टॉक रोटेशन का मतलब होता है कि जो स्टॉक आपके पास पड़ा होता है उसकी आपने किस तरीके से मतलब उसकी सप्लाई वगैरह करनी होती है. ठीक है, फीफो वाला रूल अगर आपने मील मैनेजमेंट पढ़ी हुई है तो आपको पता होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. ठीक है, कॉन्सेप्ट ये कि जब आपके पास कोई स्टोरेज हाउस में कोई स्टॉक पड़ा हुआ है तो आपने पहले वो वाला स्टॉक बाहर करना है, वो वाला स्टॉक मार्केट में देना है या फिर अपने कस्टमर को देना है जो पहले आपने ला के रखा हो. ठीक है, घर में भी इस तरह होता है कि जो ग्रोसरी आपने पहले की होती है वो ग्रोसरी आप पहले यूज करते हो, रादर देन कि आपने नेक्स्ट मंथ की जो ग्रोसरी ले आए हो उसको यूज करना शुरू कर दो. ठीक है, सो फीफो इज द कॉन्सेप्ट, जो पहले आते हो उसको पहले आपने आउट कर देने उस एरिया से. ठीक है, फिर ये शेल्फ है, ये वाली शेल्फ आपने देखी होंगी बेकरीज के अंदर भी होती हैं, और उसकी बड़ी इजी एग्जांपल आपके पास कारफोर देखते हैं. कारफोर का जो बेकरी सेक्शन होता है वहां पे इस तरह की ये शेल्फ बनी होती है. ठीक है, शेल्फ एक्सेसिबिलिटी, शेल्फ ऐसे बनाए कि जिस जो एक्सेसिबल हो. ठीक है, जो आपकी पॉन से दूर ना हो. ठीक है, शेल्विंग मस्ट बी एटलीस्ट 15 सेंटीमीटर या फिर 6 इंचेस अबव द फ्लोर. ठीक है, ये आप नीचे स्पेस देख रहे हो ना, बिल्कुल लास्ट रेट तक कम से कम 6 इंच या 15 सेंटीमीटर. ठीक है, एक ही जितना डिस्टेंस है, इतनी ऊंची होनी चाहिए ये आपके पास. ठीक है, बिल्कुल जमीन के साथ चिपटी हुई नहीं बनानी चाहिए. डू नॉट स्टोर आइटम्स राइट ऑन द फ्लोर. ठीक है, फ्लोर के ऊपर आपने स्टोरेज नहीं करनी. आपने ये वाले शेल्फ खरीद लेने हैं, लेट्स सपोज अगर आपने कोई फूड ऑर्गेनाइजेशन बनानी है. ठीक है, फूड एंड सप्लाई स्टोरेज एरिया शुड बी केप्ट अंडर लॉक एंड की टू प्रिवेंट पिलफरेज. पिलफरेज क्या होती है, चोरी चकारियां या फिर चीजें बीच में से जो निकाल लेते होते हैं. ठीक है, तो आपने अपने स्टोरेज एरिया को हमेशा लॉक में रखना है. ठीक है, ताकि वहां पे इस तरह के कोई इंट्रूडर्स आके कोई चीजें वगैरह जो है उससे बाहर ना निकाले. ठीक है, खैर पाकिस्तान में एक प्रैक्टिस इतनी कॉमन है कि अगर आपकी स्टोरेज एरिया पे नहीं होती पर जो आपका मार्केट का जो शॉपकीपर होता है वो इस तरह कर लेता है. अक्सर आप घर आके जब देखते हो तो उस पैकेज पर लिखा होता है कि इसके साथ ये चीज फ्री थी, और वो चीज क्या होती है, वो पिलफरेज हो जाती है. ठीक है, वो उसने निकाल ली होती है, चोरी कर ली होती है. ठीक है, रेफ्रिजरेटेड प्रोडक्ट्स. ठीक है, स्टोर रॉ प्रोडक्ट्स बिलो नेवर अबव. ठीक है, टेम्परेचर जो जितने भी आपके पास स्टोर रॉ प्रोडक्ट्स होते हैं वो अपने नीचे रखने होते हैं. ठीक है, नेवर अबव 4 डिग्री के टेम्परेचर से. ठीक है, एंड सेफ टेम्परेचर फॉर रेफ्रिजरेशन इज 4 डिग्री. ठीक है, आप जैसे ही समर जाते हैं आप लोग को तो नहीं पता होगा, आपकी मदर्स को पता होगा, फ्रिज का टेम्परेचर चेंज कर दिया जाता है. ठीक है, वो 4 पे ले जाते हैं. 4 के ऊपर टेम्परेचर इज वेरी गुड. ये जो आपके पास हाईली पेरिशेबल फूड आइटम्स जो नहीं होते उनके लिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत अच्छा होता है. ठीक है, इसके अलावा आपने क्या करना है, मॉनिटर द टेम्परेचर ऑफ द रेफ्रिजरेटर डेली शीट या पर्सन. आप उसके लिए कोई शीट लगा के रख लें या कोई किसी बंदे की ड्यूटी लगा दें. ठीक है, कि उसने अपने रेफ्रिजरेटर का जो टेम्परेचर है वो मॉनिटर करना होता है. ठीक है, ताकि वो ऊपर नीचे ना हो, वो आपके पास परमानेंट टेम्परेचर होना चाहिए. अगर हफ्ते के 7 दिन आपने उसके अंदर कोई चीज स्टोर करनी है तो वो टेम्परेचर सेम होना चाहिए. ठीक है, इसके अलावा जो रेफ्रिजरेटर्स है चाहे वो बड़े पैमाने हैं चाहे वो या वो घर में हो, तो उसकी अरेंजिंग भी करें, रीअरेंजिंग भी करें, और उसको रेफ्रिजरेटर को क्या है रेगुलरली नीट एंड क्लीन रखना है. क्योंकि आपको पता है जब रेफ्रिजरेटर या फ्रिज वगैरह को बहुत अरसे तक आप साफ ना करें तो उसमें एक अजीब सी स्मेल बनना शुरू हो जाती है. ठीक है, अच्छा, रेफ्रिजरेटेड प्रोडक्ट्स के लिए अब आपने क्या करना है, डेवलप एंड फॉलो फीफो सिस्टम फॉर रेफ्रिजरेटेड प्रोडक्ट. फीफो का आपको समझ आ गया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. ठीक है, डेजिग्नेट एरियाज. ठीक है, अब आपने क्या करना होता है, फ्रिज में घर में भी अक्सर जो कुछ मदर्स होती है बल्कि मोस्टली मदर्स ने क्या किया होता है, अपने फ्रिज के अंदर कुछ जगह डेजिग्नेट की होती है.
अब हमें पता होता है फ्रीजर के अंदर कौन सी चीजें रखनी है, बट फ्रीजर में भी उसकी जगह होती है, बर्फ यहाँ रखनी है, जो मीट है यहाँ रखना है, या फिर जो फ्रोजन फ्रूट्स वगैरह हमने रखे हैं वो यहाँ रखने हैं, ठीक है। फिर क्या करना होता है, फिर उन्हीं जगहों को आपने फॉलो करना होता है, ठीक है, एंड कीप ऑनली दोज आइटम्स इन देयर डेजिग्नेटेड प्लेसेस, जगह आपने चेंज नहीं करनी, ठीक है। ये वैसे ज्यादातर कमर्शियल पैमाने पे ये बात हो रही है, ठीक है। फिर डेली प्रोडक्ट्स अगर हैं तो फिर उनके लिए किस किस्म का आपने सिस्टम रखना है रेफ्रिजरेटर के अंदर। डेली प्रोडक्ट मस्ट बी स्टोर इन रेफ्रिजरेटर किस टेम्परेचर पे, 2 डिग्री से 4 डिग्री तक आपने उसका टेम्परेचर रखना है, क्योंकि डेयरी जो है हमारे पास क्या है, हाईली पैरिशेबल फूड आइटम है। The fat in dairy products has a tendency to absorb strong odors from the storage surrounding, ठीक है। दूध में आपने देखा होगा कि घर में अगर let's suppose अभी ये mangoes का सीजन है ना और melons का, तो अगर आपने दूध इसी तरह रख दिया किसी टाइट कंटेनर के बगैर, ठीक है, तो क्या हो जाता है, तो मिल्क के अंदर ही टेंडेंसी होती है, स्पेशली मिल्क का जो फैट होता है वो कोई भी जो स्मेल या ऑर्डर होती है उसको कंज्यूम करते। तो इन दिनों में अगर आप बेख्याली में दूध इसी तरह रखें तो उसमें या तो मैंगोज का या फिर जो मैलेंस का जो है वो टेस्ट आ जाता है, ठीक है, क्योंकि एक तो दोनों के ऑर्डर बड़े स्ट्रांग होते हैं उन दोनों के, और मिल्क में टेंडेंसी बहुत होती है कैप्चर करने की, ठीक है। सेम विद द अनियंस, टू रिड्यूस द लाइकलीहुड ऑफ दिस हैपनिंग, इस चीज से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टोर डेयरी प्रोडक्ट्स इन देयर ओन एरिया इन प्रोटेक्टिव कप, ठीक है। तो वो एक तो हम लोग फ्रूट्स वैसे भी जो फ्रिज के नीचे वाली ट्रे होती है हम हमेशा उसके अंदर रखते हैं, उसमें से फिर ऑर्डर्स आउट होने के चांसेस भी नहीं होते, और सेकेंडली हम लोग मिल्क वैसे भी एहतियात से रखते हैं, ठीक है, जग वगैरह में या किसी एयर टाइट कंटेनर्स में रखते हैं, ठीक है, या बॉटल्स में। अच्छा, प्रोड्यूस का मतलब यहाँ पे है जो आपके पास फ्रेश प्रोड्यूस होती है, सब्जियां और फ्रूट वगैरह, ठीक है, इनको हमने कहाँ पे स्टोर करना है, ठीक है। मोस्ट प्रोड्यूस इज स्टोर इन रेफ्रिजरेटर एट 2 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। जो आपके पास बहुत ही पैरिशेबल सब्जियां होती हैं, जैसे कैबेज हो गया या कैप्सिकम वगैरह, इसको हम फ्रिज में रखते हैं, बाकी तो जितने ये आलू और प्याज वगैरह जो होते हैं इसको तो हम बाहर ही रख लेते हैं, ठीक है। अदरवाइज समर्स की जितनी भी वैसे वेजिटेबल्स हैं वो हम प्रेफर करते हैं हम फ्रिज में रखें, क्योंकि समर्स की वेजिटेबल्स बहुत ही पैरिशेबल होती हैं। तो इनको हमने इसी टेम्परेचर पर रखना है 2 से 4 डिग्री तक, ताकि उनकी फ्रेशनेस, उनकी क्रिस्प जो है वो बाकी रहे, और उनके ऊपर कोई चिल बर्न या फ्रीजर बर्न वगैरह ना आए, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस इंक्लूडिंग पोटैटोज एंड बनानास विच शुड बी स्टोर्ड इन एट हायर टेम्परेचर, ठीक है। बनाना स्टोर इन रेफ्रिजरेटर टर्निंग टू ब्लैक होती है। अच्छा, केले अगर आप लोग फ्रिज के अंदर रखते हैं वो ब्लैक तो बहुत जल्दी हो जाते हैं, पर उसका फायदा ये होता है कि अंदर से जो केला होता है वो डिटोरिएट नहीं होता, ठीक है। बाहर से उसकी शक्ल बेशक बहुत बुरी हो जाती है, पर अंदर से बनाना सेफ होते हैं फ्रिज के अंदर। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्लाइड की बात से जो है ना वो डिसएग्री करूंगी। बनाना शुड बी स्टोर अंडर कंडीशन वेयर टेम्परेचर रेंजेस 10 to 15 डिग्री, इस तरह पाकिस्तान में तो हो नहीं सकता, हमारा तो आजकल 38-40 में टेम्परेचर चल रहा है, ठीक है। सो बेस्ट वे फिर यही हो रह जाता है हमारे पास कि हम उसको फ्रिज में ही रखें समर्स में। अच्छा, फिर हमने फ्रेश मीट, पोल्ट्री और सी फूड को किस तरीके से स्टोर करना है, ठीक है। दीज आइटम आर द मोस्ट डिफिकल्ट टू स्टोर एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव फूड आइटम्स, ठीक है। इनको हम लोग 4 डिग्रीज पे रखेंगे करीब करीब फ्रीज होने के, ठीक है। ऑल कार्बस मीट शुड बी अनरैप्ड एंड हंग सो दैट एयर कैन सर्कुलेट अराउंड देम, ठीक है। अब ये बड़े पैमाने पे बात हो रही है, ठीक है, जो बड़े बड़े वेयर हाउसेज है, वेयर हाउसेज में अगर मीट आते हैं तो उन्होंने क्या करना है, जितना भी कार्कस मीट होता है उसको अनरैप कर देना है, लेट्स सपोज उनकी स्लांटर हाउस से अगर आया है, ठीक है, और फिर उसको हैंग कर देना है ताकि उसके अंदर थोड़ी सी एयर सर्कुलेट करे, और अगर इसमें से कोई ब्लड की ड्रिपिंग वगैरह एक्स्ट्रा हो रही होती है तो वो हो जाए, ठीक है, इस तरीके से आप देखें। अच्छा, फिर नीचे आपको ये छोटा घर का फ्रिज है, बहुत सारी हॉस्टल की बच्चियों के पास भी ये वाला होगा, तो इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि दूध डोर के ऊपर क्यों क्रॉस किया हुआ है, क्योंकि डोर के अंदर इधर जो टेम्परेचर आता है ना वो इतना अच्छा टेम्परेचर नहीं होता, तो उसके अंदर मिल्क स्पॉइल होने के चांसेस आपके पास है, तो मिल्क को हमेशा आपने फ्रिज वाली साइड पे, फ्रिज के अंदर रखना है, डोर वाली साइड पे आप चॉकलेट्स रख सकते हो, पानी रख सकते हो, व्हाटएवर यू वांट, ठीक है। फिर ये जो कार्कसेस वाली बात हुई थी बड़े पैमाने पे वेयर हाउस में, उसके लिए वाली स्लाइड आ जाएगी वापस, ठीक है। अच्छा, बोन मीट शुड बी किप नो लॉन्गर देन 3 डेज, ठीक है। इन केस अगर आपने रेफ्रिजरेटर के अंदर रखा है फ्रीजर के अंदर, क्यों, जो बोन के साथ चिपका हुआ जो गोश्त होता है या चिमटा हुआ, उसके अंदर डिटोरिएशन होने के और उसके अंदर क्या कहते हैं बैक्टीरियल चेंजेस या एंजाइमेटिक चेंजेस के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए उसकी लाइफ शेल्फ लाइफ बड़ी कम होती है और उसको जल्दी से जल्दी यूज करना होता है। अगर लेट्स सपोज आपके पास सिर्फ रेफ्रिजरेटर है, आपके पास फ्रीजर नहीं है, देन ठीक है, इंडिविजुअल कट शुड बी यूज विद इन टू डेज, प्रेफरेबली ऑन द डे दे आर कट, ठीक है। इंडिविजुअल कट के अंदर अंडर कट जो आपके पास आ जाएगी, ये जो ऑक्सटेल जो मीट वगैरह होता है, ठीक है, उसमें आप कर लें इसको,
Beyond meat should be kept covered on a plastic or stainless steel base at 2 to 4 degrees centigrade. ठीक है, जो ground meat होता है, कीमा वगैरह जो होता है, mince meat, उसके अंदर भी, क्योंकि उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है आपके पास, आपको पता है ना, जब आप कीमा बनाते हो तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, उसकी अमाउंट इंक्रीज हो जाती है, तो जितना सरफेस एरिया इंक्रीज होता है उतने बैक्टीरिया ग्रोथ के चांसेस ज्यादा होते हैं. ठीक है, तो इस वजह से इसको भी अच्छे टेम्परेचर में कवर करके अच्छे तरीके से रखना चाहिए आपके पास. मैम, ये जो हमारे पास जिस तरह कुर्बानी का गोश्त होता है, तो उसमें हमारे पास स्पाइश आए होते हैं, ये तो मम्मी लोग फ्रीज कर लेते हैं. तो बेटा वो एक तो दो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, एक तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक नहीं है इतने लंबे अरसे तक रखने के. सेकेंडली, उसमें डिटोरिएशन के चांसेस होते हैं और हो चुके होते हैं. आप लोगों ने देखा होगा कुर्बानी वाले दिनों में फूड पॉइजनिंग के और GIT के जर्ड इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, वो इसी वजह से होते हैं. आप उसको प्रोलॉन्ग एरिया के टाइम के लिए जब रखते हो तो उसके अंदर चेंजेस आ जाती है. वैसे भी गोश्त तो कहते हैं, डॉक्टर्स हमेशा प्रेफर करते हैं कि मीट जो है वो जितना आप फ्रेश यूज कर सके, बट हमारे हाउस होल्ड में मुझे लगता है पाकिस्तान में कोई भी ऐसा घर नहीं होता, हम सब ने एक टाइम पे ला के फ्रीजर में रखा होता है. ठीक है, तो वो सम हाउ हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग थोड़ा बहुत डिटोरिएटेड फूड खाने के आदि हो गए, तो अब हमें इतना कोई असर नहीं होता. आप उठाएं किसी ऐसे बच्चे को जो कि बाहर से आया हो और उसे खिलाएं ये फ्रीजर का गोश्त, फिर देखें आप. मैम, जब सही खाते हैं फिर तबीयत खराब हो जाता है. बेटा हम लोग आदि हो गए, हम तो वो कॉम है जो एक्सपायर फूड खा के भी जिंदा फिर रहे होते हैं. ठीक है, कसम से. फ्रेश पोर्ट शुड बी पैक्ड इन आइस एंड स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर. ठीक है, अब फ्रेश पोर्ट जब आती है तो आपने क्या करना है, एक तो आपने उसको वॉश कर लेना, क्योंकि उसके ऊपर ब्लड और इस तरह के नर्व्स वगैरह मोस्टली पाकिस्तान में आप देख रहे हैं, आप जब बाहर से मुर्गी लेके आते हैं तो उसके ऊपर छोटी छोटी नर्व्स वगैरह और जो ब्लड क्लॉट्स होते हैं वो लगे होते हैं, तो पहले अच्छे से आपने उसको वॉश कर लेना और फिर आपने उसको पैकेजिंग में रख के फ्रीजर में रख देना है. ठीक है, आइस के साथ पैक करने की जरूरत नहीं है आपको. ठीक है, वो उस कंडीशन में है अगर आप वेयर हाउस में रख रहे हो. अगर आप अपने घर में रख रहे हो तो आपने धो के साफ करके उसको किसी कंटेनर या किसी पैकेट के अंदर करके जिपलॉक पैक के अंदर आपने उसको रेफ्रिजरेट कर लेना. ठीक है, फ्रेश सी फूड शुड बी पैक्ड इन आइस. ठीक है, स्टोर्ड एट 1 degree to 2 degree एंड यूज्ड एज सून एज पॉसिबल. ठीक है, फिश को वैसे भी लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रखना चाहिए. ठीक है, क्योंकि अगर आप उसको बहुत अरसे के लिए भी फ्रीज करोगे तो वो इतनी पेरिशेबल सी बेचारी नाजुक सी होती है वो सारी टूट जाती है. सो 2 to 3 दिन से ज्यादा आपको फिश को वैसे भी नहीं रखना चाहिए. वो मैरिनेट करके अगर आपने 2 दिन रखनी है ठीक है, बट उसको आपने यूज कर लेना है. ठीक है, स्टोर रॉ प्रोडक्ट्स ऑन द लोअर शेल्फ्स ऑफ द रेफ्रिजरेटर. ठीक है, जो रॉ प्रोडक्ट्स हैं जैसे चीज हो गई, लेट सपोज चीज है, उसको आप जो नीचे वाली शेल्फ होती है उसके ऊपर रख सकते हो. ठीक है, फिर आ जाते हैं फ्रोजन फूड. ठीक है, फ्रोजन फूड शुड बी केप्ट एट -18 degree centigrade, क्योंकि वो फ्रोजन है तो उसको -18 पे होना चाहिए, क्योंकि अगर वो आपने इसी 4 degree centigrade वाले टेम्परेचर पे रखा है तो सॉगी हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे और उनके ऊपर फंगस की अपीयरेंस आ सकती है. नगेट्स की एग्जाम्पल ले लें या टेंडर पॉप्स क्रॉकेट्स, ये सारे एग्जाम्पल आप इसकी ले सकते हैं. ठीक है, इफ द टेम्परेचर राइजेस अबव 18 फूड कैन बिकम डिसकलर्ड और लॉस विटामिन कंटेंट. ठीक है, लेट्स सपोज अगर आपने फ्रूट्स, मैं फ्रूट्स फ्रीज करने के बड़े खिलाफ हूँ, पर हमारी मदर्स कर रही होती हैं स्ट्रॉबेरीज और मैंगोज. ठीक है, उसका क्या होता है कि वो डिसकलर्ड हो जाते हैं. आप स्ट्रॉबेरी निकालो वो भी थोड़ी सी, जब तक अगर आपने कलर बरकरार रखना है इन चीजों का, तो या तो उसको ब्लांचिंग करनी पड़ती है या फिर उसके अंदर शुगर की एडिशन करनी पड़ती है. एंड इफ यू वांट इट ऑर्गेनिक और एज इट इज आपने इन दोनों चीजों की प्यूरीज रखी तो क्या होता है वो ब्राउनिश शेड में आ जाती है और उनका टेस्ट भी खत्म हो जाता है. और थर्ड सबसे खतरनाक बात है, जो एक इंपॉर्टेंट चीज होती है फ्रूट्स के अंदर वो विटामिन सी होती है, और फ्रीजिंग के बाद लॉस होना शुरू हो जाता है. तो अगर हम आउट ऑफ सीजन मैंगोज या स्ट्रॉबेरीज इंजॉय कर रहे हैं तो हम सिर्फ भूसी इंजॉय कर रहे हैं उस टाइम पे, उसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होते आपके पास. ठीक है, सो ये मसला हो सकता है आपके पास. ठीक है, लोअरिंग द टेम्परेचर आफ्टर इट हैज राइजन डू नॉट करेक्ट द डैमेज. ठीक है, इससे क्या होता है कि अगर आपने लेट सपोज फ्रीजर में आपने चीजें रखी थी और वो बहुत ज्यादा जम गई है, ठीक है, फिर उसको अगर आप टेम्परेचर कम करेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, उससे सिर्फ आपको नुकसान होगा कि आपके फूड को स्पॉइल होने की स्पीड जो है वो ज्यादा हो जाएगी. ठीक है, सो ये वाली हरकतें नहीं करनी. ऑल फ्रीजर प्रोडक्ट्स नॉट प्रॉपरली रैप्ड विल डेवलप फ्रीजर बर्न. ठीक है, कभी कभार आपने देखा होगा हम लोग जल्दी में या बेएहतियाती में इस तरह से चीजें रख देते होते हैं, फिर जब उसको निकालते हैं तो उसके ऊपर ब्रूजेस से बने होते हैं. ठीक है, वो फ्रीजर बर्न से गोश्त के ऊपर होता है, मोस्टली मीट, चिकन,
इसके ऊपर जो होते हैं ना वो फ्रीजर बर्न आ जाते थोड़े से पर्पलिश हो गया इससे जो फ्रूट्स होते हैं लाइक सपोज एप्पल कभी कभार होते हैं ना चिल्ड एप्पल खाने को अगर आपका दिल करो और अगर आप उसको रख दे तो उसके ऊपर वो येलो स्पॉट्स आना शुरू हो जाता है ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है अगर आपने प्रॉपरली रैप नहीं किया होता तो आपका जो भी फूड आइटम है कम मॉइस्चर लॉस हो जाता है। जी बेटा कोई बात करनी है अफेक्ट टेक्सचर एंड फ्लेवर ऑफ द फूड ठीक है। टेक्सचर भी अफेक्ट होगा इसके अलावा फ्लेवर ऑफ द फूड भी आपके पास जो है वो खराब होगा। मोस्टली सालन वगैरह अगर हम रखते तो उसका फ्लेवर खराब नहीं होता पर अगर वो सही तरीके से प्रॉपरली कवर्ड ना हो कभी कभार हम लोग कर देते होते हैं ठीक है। जो यंगस्टर होते हैं वो ऐसी हरकतें कर जाते होते हैं तो सुबह वो सालन का टेक्सचर भी अजीब सा होता है उसका टेस्ट भी उस तरह सा अच्छा नहीं होता उसमें वो फ्रीजर वाला टेस्ट आना शुरू हो जाता है ठीक है। अ कॉमन साइन ऑफ फ्रीजर बर्न इज व्हाइट और ग्रे स्पॉट डेवलपिंग ऑन द सरफेस ऑफ द फ्रोजन फूड ठीक है। व्हाइट या ग्रे स्पॉट होगा येलो भी हो सकता है ठीक है क्योंकि येलो स्पॉट जो है वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है एप्पल के ऊपर ठीक है। मीट इज पर्टिकुलरली सस्पेक्टेबल टू फ्रीजर बर्न सबसे ज्यादा फ्रीजर बर्न किसके ऊपर हो सकते हैं मीट के ऊपर। मीट के ऊपर क्यों होगा क्योंकि उसके अंदर मसल भी है उसके अंदर ब्लड भी है तो उसके अंदर मीट जो फ्रीजर बर्न है वो ज्यादा होने के चांसेस होंगे आपके पास ठीक हो गया। इस तरीके से होंगे ये चिकन फिले के ऊपर फ्रीजर बर्न है आपके पास ठीक है। इस तरह ये चाइल्ड है कि टोमेटोज है बेबी टोमेटोज पता नहीं है क्या है पर इसके ऊपर भी फ्रीजर बर्न है आपके पास ठीक है। क्लीनिंग एंड सैनिटाइजिंग की भी बात आ जाएगी तो सैनिटाइजिंग का वही वाला तरीका जो पिछले लेक्चर में था बल्कि वही वाली स्लाइड है सेम टू सेम वही स्लाइड है। आपने क्या करना है आपने नीम गर्म पानी के अंदर आपने क्लोरीन ब्लीच डाल देनी एक गैलन वाटर के अंदर क्या करना है 1 tablespoon आपने डाल देना ठीक है। इट इज अ हार्ड जॉब एंड स्ट्रेसफुल रिक्वायर्ड मोर टाइम ठीक है क्योंकि सफाई करना और फिर उसको अच्छे तरीके से किसी चीज को सैनिटाइज करना क्या है हार्ड जॉब है बहुत टाइम टेकिंग है और बहुत ज्यादा सब्र आजमा ये आपके पास एक चीज है ठीक है। क्वार्टरली अमोनियम बेस्ड डिसइंफेक्टेंट क्वार्टरली अमोनियम एक काइंड ऑफ केमिकल है ये वाले डिसइंफेक्टेंट जो यूज करते थे तो इससे पता ये चला था कि इनके यूज करने की वजह से बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं। रैट्स के ऊपर उन्होंने इसका वो किया था एक्सपेरिमेंट किया था और फर्दरली फिर मतलब ह्यूमंस के ऊपर क्योंकि रैट्स एंड ह्यूमंस का क्योंकि फिजियोलॉजिकल सिस्टम सेम है तो वो ह्यूमंस के अंदर भी इस तरह हो सकता है। अगर आप ये वाला डिसइंफेक्टेंट यूज करेंगे तो बच्चों के अंदर पैदा होते ही डिफेक्ट्स हो सकते हैं ठीक है। इस तरह के डिफेक्ट्स हो सकते हैं ये जो आपके पास स्लाइड्स है ठीक है। ये वाली स्लाइड छोड़ देते हैं ये भी प्रीवियस लेक्चर में है ठीक है। ये वाली वेबसाइट आप चेक कर लें इसके ऊपर आपको सैनिटाइजेशन या सैनिटेशन के क्या होगा तरीके सिखाए गए हैं किस किस तरीके से आप कर सकते हैं ठीक है। इसके बाद एक और पॉइंट है ग्लव्स आर मैंडेटरी फॉर एवरीवन टू इंश्योर दैट एवरीथिंग इज क्लीन ठीक है। जैसे आजकल तो कोरोना की वजह से है बट कॉमन प्रैक्टिस तो यही है कि जब आप इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में या फिर आप इस तरह का कुछ काम कर रहे हो ठीक है साफ सफाई सुथराई वाला तो आपको ग्लव्स पहनने चाहिए। आप खाना बना रहे हो तो आपको ग्लव्स पहनने चाहिए ठीक है। विद ग्लव्स हाउएवर वोंट फील द एरियाज विद ग्रीस ठीक है। ग्लव्स से क्या होगा हमें समझ तो नहीं आती। ग्लव्स के साथ थोड़ा सा मसला होता है जब आप फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग में ग्लव्स पहनने शुरू करते हैं तो आपको काम करने की आदत नहीं होती तो आपको अक्सर समझ भी नहीं आती ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि एरियाज विद ग्रीस जो ग्रीजी एरियाज होंगे उसकी अक्सर ऐसा होता है कि आपको उस टाइम फील होगा कि ये साफ हो गया होगा बट वो ग्रीजी होता है ठीक है। तो उसमें आपको समझ नहीं आएगी बाकी इसमें ऐसे कोई खर्च नहीं है ठीक है। अच्छा सैनिटेशन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ठीक है SSOPs को बोलते हैं। इसके अंदर इसके अलावा क्या करना है दो व्हाइट ग्लव्स आर द नॉर्म बट पीपल यूज अदर ठीक है। व्हाइट ग्लव्स जो है वो हॉस्पिटल्स में या इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में एक नॉर्म है ये यूज करने चाहिए वो इसलिए कि व्हाइट ग्लव्स के ऊपर लेट्स सपोज अगर कोई सर्जन वगैरह है तो उनको ब्लड वगैरह नजर आ जाता है या आपको कोई भी काम कर रहे हो तो उसके ऊपर स्टेन्स नजर आते हैं ठीक है। तो हमेशा इस तरह के काम करते हुए आपने इस तरह के कलर की जो आपकी जो ड्रेस होती है ठीक है जैसे आपने हॉस्पिटल में देखा होगा ना डॉक्टर्स या तो ग्रीन पहनते हैं सर्जन या ब्लू पहनते हैं या फिर वो लाइट स्काई ब्लू टाइप का पहनते हैं। ये वाले कलर इसलिए पहने जाते हैं कि जब भी कोई स्पॉटिंग ब्लड वगैरह कुछ इस तरह होता है तो वो उसके ऊपर नजर आ जाता है। इसी तरह अगर आप फूड ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो शेफ वगैरह क्या करते हैं मोस्टली व्हाइट को प्रेफर करते हैं या जो लाइम येलो कलर होता है ठीक है। वो इस वजह से कि अगर कोई लेट सपोज अब उधर तो कोई ब्लड वगैरह नहीं होता है अगर स्टेन लगना भी अच्छी बात नहीं होती बट अगर कोई इस तरह की कोई चीज है कोई पेस्ट वगैरह है कॉकरोच है या चींटियां वगैरह है ताकि वो उसके ऊपर नजर आए ठीक है। तो ये वाली वेबसाइट भी आप लोगों ने चेक कर लेनी है ठीक है। क्लीनिंग एंड सैनिटाइजिंग इज टू डिफरेंट स्टेप्स वो आप लोगों को भी पता है क्लीनिंग के अंदर हम सफाई करते हैं सैनिटाइजिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं उस जगह को डिसइंफेक्ट करते हैं बिल्कुल फूड प्रूफ बना देते हैं ठीक है।
क्लीनिंग के क्या स्टेप है? प्रिपरेशन, रिमूव लूज डर्ट एंड फूड पार्टिकल्स. देखें अब हम जब सफाई स्टार्ट करते हैं तो मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बड़ी बड़ी सफाई पहले कर लेते हैं. लेट्स सपोज डस्टिंग या जो बड़ा बड़ा गंद होता है या जो रूम की सेटिंग होती है वो पहले कर देते हैं, ठीक है. फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रिंस विद वार्म वाटर एंड और पोर्टेबल वाटर, ठीक है. स्टेप टू आएगी क्लीनिंग, वॉश विद हॉट वाटर 60 डिग्री पे होना चाहिए एंड डिटर्जेंट, रिंस विद क्लीन पोर्टेबल वाटर, ठीक है. ये सेकंड स्टेप हो गया. थर्ड स्टेप सैनिटाइजिंग का क्या है, बैक्टीरिया किलिंग स्टेज है. ट्रीट विद वेरी हॉट क्लीन पोर्टेबल वाटर, 75 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए आपका वाटर का. फॉर एटलीस्ट 2 मिनट्स अप्लाई सैनिटाइजर, ठीक है. 2 मिनट छोड़ के फिर उसको साफ कर लेना होता है. फिर बारी आती है एयर ड्राइंग की. अब घर की मिसाल लेने, आप जब ये जो सर्फिस क्लीनर होता है डिटॉल वगैरह वाले का, या फिर जो फिनाइल होता है, आपकी मासी आती है उसका पोछा लगाती है, फिर उसके बाद वो फैन ऑन कर देती है, ठीक है. तो एयर ड्राइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. एयर ड्राई ऑल सर्विस द मोस्ट हाइजेनिक वे टू ड्राई इक्विपमेंट इन अ ड्रेनिंग रिंक, ठीक है. रिंसिंग का दूसरा तरीका क्या है, लेट्स सपोज अगर बर्तन है तो उसको आपने इस तरह रैक, घर में भी आपने देखा होगा बर्तन धुलने के बाद रैक में जाते हैं, ठीक है. एक्सक्यूज मी मिस, जी बेटा मिस, ये एयर ड्राइंग का बता दें, इसके क्या वैसे बेनिफिट्स हैं? किसके? एयर ड्राइंग के. बेटा एयर ड्राइंग से क्या होता है, चीजें आपकी ड्राई हो जाती हैं, जो आपके पास अगर थोड़े बहुत बैक्टीरियाज रहते हैं तो वो भी आपके पास रिमूव हो जाते हैं, ठीक है. मोस्ट हाइजेनिक कहा गया हुआ है, ठीक है. दूसरा ये होता है कि डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ बैक्टीरियाज भी करते हैं. अगर कोई मॉइस्चर लविंग बैक्टीरिया है तो वो भी आपके पास उनके भी किल होने के चांसेस होते हैं. Prerequisite, a list of ingredients, supplier of the ingredients for the products we wish to be covered in hack-up plan, ठीक है. Prerequisite में क्या था, वही बात दोबारा आ जाएगी. हम लोगों ने let's suppose अगर कोई चीज बनानी है तो उसमें list of ingredients आ जाएंगे, ठीक है. मैंने आपको कहा था ना raw soil job के जो जितना भी material होते हैं उसके ऊपर आपका ज्यादा focus होता है, ठीक है. Supplier of the ingredients for the products we wish to be covered in hack-up plan, ठीक है. तो prerequisite में चीजें आ जाती हैं जो हम करना चाहते हैं अपने हैकअप प्लान के अंदर, उनके बारे में हम लोग सोच लेते हैं या उनकी हम लोग लिस्टिंग कर लेते होते हैं. उसमें क्या क्या आ सकता है, लिस्ट ऑफ स्टाफ नेम, ठीक है. जिन लोगों को हमने ड्यूटियां असाइन की होती हैं उनके नाम आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है. लिस्ट ऑफ ऑल इंग्रीडियंट्स, ठीक है. जैसे हम खाना बनाने से पहले भी हमें पता होना चाहिए कौन सी इंग्रीडियंट्स है, ठीक है. अब यहाँ पे मुझे लगता है बेकिंग हो रही है तो वो सारी बेकिंग की एग, कोकोनट बटर एंड लेमन एंड सोडा, ऑल दिस थिंग, ठीक है. इसकी लिस्टिंग कर लें. लिस्ट ऑफ सप्लायर्स, ठीक है, जिस जिसको आपने ये चीजें फिर फर्दरली सप्लाई करनी है, ठीक है. या फिर सॉरी, जिस जिसने आपको चीजें सप्लाई की हुई है, ठीक है. डीलर्स इंग्रीडियंट से आपने चीजें ली थी, ठीक है. इसके अलावा CC CCC इंग्रीडियंट से आपने चीजें ली थी, ठीक है. उन सप्लायर्स के नाम भी आप लोगों ने लिख लेने हैं, ठीक है. Prerequisite plan क्या है, plan of the production process, ठीक है. production process मैंने 2-3 4-5 दफा आपको explain कर दी कि जो भी आपका plant है, production area होता है उसकी proper planning, उसके अंदर कौन सी machinery use होनी है, पानी कहाँ से आना है, electricity कैसे आनी है, machinery कौन सी use होनी है, ठीक है. ये वाली चीजें आ जाती हैं उसके अंदर. मॉनिटरिंग आप लोगों ने कैसे करनी होती है, विजुअल इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है. वहां पर कोई बंदा खड़ा हो या कोई मैनेजर वगैरह खड़ा होकर देख सकता है. रिकॉर्ड शीट्स के ऊपर चेकलिस्ट वगैरह, फ्लो चार्ट्स वगैरह वो बना सकते हैं, उसके अंदर आप लोग कर सकते हो, ठीक है. सीव इंटीग्रिटी चेक्स, ठीक है. क्लोज इंटीग्रिटी चेक्स आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है. प्रोडक्ट कलर चेक्स, ठीक है. मेटल डिटेक्टर चेक्स, ठीक है, जिसमें थर्मोमीटर की एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं. टाइम चेक्स, ठीक है. लेट्स सपोज जैसे बिल्कुल हाउस होल्ड एग्जाम्पल ले लें तो घर के अंदर आप जब केक बना रहे होते हो, ठीक है, एक आप विजुअल इंस्पेक्शन करते हो जब केक ओवन या माइक्रोवेव के अंदर होते हैं, ठीक है. आप उसको बाहर से देख रहे होते हैं, ठीक है, कि अब ये राइज हो रहा है, ये अब फॉल कर रहा है, ये अभी इस स्टेज पे आ गए, ठीक है. फिर सीव इंटीग्रिटी चेक्स उसके अंदर करते, थोड़ी देर बाद आप उसको खोल के चेक कर लेते. फिर प्रोडक्ट कलर चेक होता है, ठीक है, जब केक ऊपर से प्यारा सा गोल्डन हो जाता है तो तब आप उसको निकालते हो, ठीक है. फिर मेटल डिटेक्टर चेक भी आप उसकी एग्जाम्पल ले सकते हो. अगर हम घर के अंदर होते हैं तो हम लोग उसके अंदर छुरी वगैरह डाल के जो चेकिंग कर रहे होते हैं, जस्ट इट्स कुक और नॉट. या फिर इंटरनल टेम्परेचर चेक करने के लिए अगर हम चॉकलेट टेम्पर कर रहे हैं तो उसके अंदर हम थर्मामीटर डाल देते हैं, उसका इंटरनल टेम्परेचर चेक करते हैं, ठीक है. टाइम चेक्स, प्री हीटिंग जब अवन की होती है उसकी, या फिर हमने कोई ऐसी चीज रखी होती है जिसकी हमने साइड चेंज करनी होती है. लेट्स सपोज वी आर मेकिंग सम काइंड ऑफ, कौन सी हम नान बना रहे हैं, लेट्स सपोज नान बना रहे हैं, तो उसका टाइम चेक होगा कि जी 3 मिनट एक साइड और 3 मिनट दूसरे साइड पे, ठीक है.
दूंगी, वहां पे आपके पास टाइम चेक्स आ जाएंगे, ठीक है। ये चीजें होगी हमारे पास। फिर टेम्परेचर मॉनिटरिंग शीट इस तरीके से होती है, मॉनिटरिंग डेली रेफ्रिजरेशन एंड मिल्क बॉक्सेस, ठीक है। डेट आपने लिखनी होती है, फिर उसके बाद और ऑब्जर्वर की इनिशियल्स हैं कि टेम्परेचर कितना था, ठीक है, क्रॉस कंटेमिनेशन हुई है नहीं हुई है, यस नो में। फिर करेक्टिव एक्शन अगर हुई है, लाइक सपोज जैसे पिछले लेक्चर में याद है कि मीट अगर कुक नहीं हुआ तो उसके लिए करेक्टिव एक्शन ये था कि दोबारा उसको ओवन में रखते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर भी आएंगी इसी तरीके से। टेम्परेचर मॉनिटरिंग शीट होती है आपके फ्रिज टेम्परेचर के लिए, ठीक है। फ्रिज वन का कितना टेम्परेचर था मंडे को सुबह में और मंडे की शाम में, ठीक है, 8-7 AM लेट सपोज, फिर रात के 9 बजे 9 PM पे कितना था, ठीक है। फ्रिज टू फ्रिज थ्री उसका भी सारा रिकॉर्ड आपने रखना होता है, ठीक है। इस तरह फिर विजुअल इंस्पेक्शन रिकॉर्ड शीट होती है आपके पास, ठीक है। विजुअल इंस्पेक्शन ये ऊपर देखें तो ये मॉडर्न वे है मशीनरी के थ्रू, ठीक है। और ये जो है ये आपके पास ओल्ड स्कूल या ओल्ड फैशन मेथड है, ये मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देख रहे हैं, ठीक है। फिर मेटल डिटेक्टर चेक जो है वो इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। ये बहुत ही बड़े पैमाने पे आप इस तरह का मेटल डिटेक्टर चेक कर सकते हैं कि चीजों को इस मशीनरी के थ्रू से गुजार सके, ठीक है। और या फिर अगर आप ह्यूमन बेसिस पे देखें तो ये जो डोर्स बने होते हैं, ठीक है, बहुत ही कॉमन हो गए अब तो, ठीक है। पहले जब सिक्योरिटी अच्छी होती थी पाकिस्तान पे तो उतने नहीं होते थे, अब होते हैं आपके पास, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस रिकॉर्ड कॉन्टेंट्स, ठीक है। एनालिसिस रिकॉर्ड कॉन्टेंट का जो सर्टिफिकेट होता है उसके अंदर क्या होना चाहिए, ठीक है। एक तो वो आपके पास जो है COA should be approved by the appropriate representative from the testing site contained, ठीक है। Let's suppose PCSIR से वो certify होना चाहिए। इसके अलावा जो वेंडर या सप्लायर था जिससे आपने सामान खरीदा, ठीक है। छोटे पैमाने पर अगर हम लोग देखें छोटे छोटे रेस्टोरेंट जो होते हैं ढाबे वगैरह, वो तो वेंडर से ही परचेजिंग करेंगे, ठीक है, किसी दुकान ठेले वाले से आलू टमाटर खरीद के आ जाएंगे। सप्लायर कहाँ होगा जो बड़े पैमाने पे, लेट्स सपोज जो KFC वगैरह हैं या फिर ये जितने भी आपके पास बर्गर के आउटलेट्स होते हैं, इनके पास चिकन जो आता है वो सप्लायर से आता है, ठीक है। वो वाली इन्फॉर्मेशन लिखनी है, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन लिखनी है, कितना था और उसकी स्ट्रेंथ कैसी थी, कितना अच्छा था बुरा था व्हाटएवर। वो रिजल्ट फॉर स्पेसिफिक बैच, जो चीज आप जितने जितने बैच बनाएंगे, लेट्स सपोज आप ब्रेड बना रहे हो तो उसका जो एक दो बैच निकले उसके बारे में आपने इन्फॉर्मेशन लिखनी है। With name of test acceptance criteria and result from each test, ठीक है। उसके ऊपर आपने let's suppose moisture का और fungus का और soft होने का आपने different test apply किए थे, वो किस तरह उसका result आया वो information लिखनी है, ठीक है। Conformance statement, ठीक है, conformance statement के अंदर आपने लिखना होता है कि ये हाँ जी ये बात इस तरह थी, ये वो फलाना वगैरह, ये सारी information आप लोग लिखते नहीं, ठीक है। रेफरेंस टू मेथड एंड स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास था उसको स्पेसिफाई करना है, उसका रेफरेंस कहाँ से आया था, किसने किया था, वो इन्फॉर्मेशन देनी है। अच्छा, ये रेफरेंस ऑफ डेटा सोर्स, ठीक है, आपने इन्फॉर्मेशन किससे ली थी वो वाला रेफरेंस भी ले लेना है। अप्रूवल एंड डेट, ठीक है, आपने अगर ये लेट्स सपोज ये चीजें सारी आपकी अप्रूव हो गई वो लिख देने हैं, किस डेट पे पिटिशन हुई थी वो डेट भी आप लोग ने लिख देना है। इसके अलावा फिर एक्सपायरेशन डेट, जो भी उस प्रोडक्ट की एक्सपायर होने की डेट है, या फिर आपने दोबारा उस प्रोडक्ट को जिस डेट पे चेक करना है वो वाली इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर डाल देनी होती है, ठीक है। रिकॉर्ड कीपिंग आपने कैसे करनी है, एनी रिकॉर्ड शीट यू मे हैव टू प्रोड्यूस, ठीक है, जिसके अंदर आपने कौन सा रिकॉर्ड लिखना होता है। जैसे आपको याद है ना पिछले में हम लोगों ने हैकअप मॉनिटरिंग या CCP मॉनिटरिंग शीट पढ़ी थी पिछले लेक्चर में, उसी तरह इधर भी रिकॉर्ड कीपिंग आपने करनी है, ठीक है। टेम्परेचर मॉनिटरिंग अगर की है या फिर प्रोडक्ट टेम्परेचर चेक शीट्स होती हैं, सर्टिफिकेट्स ऑफ एनालिसिस रिकॉर्ड। ये क्या होता है प्रीरिक्विजिट की रिकॉर्ड कीपिंग में तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, मॉनिटरिंग शीट, प्रोडक्ट टेम्परेचर चेक लिस्ट या शीट्स या फिर COAR, ठीक है। ये चीजें आ गई आपके पास, ये आपका लेक्चर था, होपफुली समझ आ गया होगा आप लोगों को। आया ना समझ में? Yes, जी मैम। मैम इसमें जो आपने रिकमेंडेशंस बताई हैं लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन की, वो याद करेंगे हम लोग, मतलब उसकी लेवल ऑफ जैसे मैम इल्यूमिनेशन की नहीं आपने बताई रिकमेंडेशंस उसके लेवल्स की, जैसे 500 टू 600 ये वाली वैल्यूज याद करनी है। जब एक स्लाइड डाली है तो याद तो करनी है। मैम एक क्वेश्चन है जी बेटा। मैम आपकी जो मतलब ये लेक्चर है उसमें जो हमारा ये सभी डॉट है, लेकिन हमारे प्रोजेक्ट पे ये 2 का शो होता है, तो ये 2 पे डॉट है।
मैम ये जो फूड लगा हुआ सब्जेक्ट है ये ठीक है ठीक है लेकिन शो होता है हमने बेटा इस सब्जेक्ट में ना अव्वल दिन से 2018 से इसमें इशू है कभी कहीं पे 2 क्रेडिट आवर का शो हो रहा है कहीं पे 3 क्या हो रहा है बेसिकली 3 क्रेडिट आवर का सब्जेक्ट है आपका ओके मैम थैंक यू मिस जी मिस आपसे थोड़ा सा एक्सटेंशन चाहिए था असाइनमेंट के लिए जी बेटा 30th तक मैंने कर दी है इससे आगे नहीं कर रही मैं अच्छा ठीक है मिस ठीक है थैंक यू चलिए अटेंडेंस पे आ जाओ बेटा अब्दुल रहमान हमारी क्लास को नहीं बताया रिकॉर्डिंग में सुनते हैं आप लोग पिछली क्लास को बताया हुआ है ना अब्दुल रहमान तो आपने ए सेक्शन को बताया था हमें नहीं बताया था हमारे भी थे जी बेटा जब उनका कर दिए तो फिर सब कर करना पड़ेगा ना अब्दुल रहमान एब्सेंट है आफिया फारूक प्रेजेंट मैम अफीफा सजाद प्रेजेंट मैम ईमन नसीर प्रेजेंट मैम आयजा हाशमी प्रेजेंट आयजा राशिद प्रेजेंट मैम अमीरा इरफान प्रेजेंट मैम अमीना मुनीर प्रेजेंट मैम आमना नाज अनम असलम प्रेजेंट मैम अनिला नासिर प्रेजेंट मैम प्रेजेंट मैम पाल प्रेजेंट मैम अक्षर जावेद प्रेजेंट मैम अरीबा आसिम प्रेजेंट अरीबा जमील Present, ma'am. Arij Asif. Arij Rabbani. Present, ma'am. Aruj Gul. Present, ma'am. Ati Ashraf. Present, ma'am. Atiya Kayum. Present, ma'am. Awais Khan. Present, ma'am. Arij Asif, present. Hassan. Present, ma'am. Aisha Jamshed. Present, ma'am. Aisha Mughal. Present, ma'am. Aisha Rizwan. Ma'am, uska internet chala gaya. Aisha Sumaya. Present, ma'am. Iman Iqbal. Present, ma'am. Aska Tariq. Present. Aska Rahman. Present. Bashair Ashraf. Present, ma'am. Binish Ishaq. Present, ma'am. Iman Taqeed. Present, ma'am. Chetan Razia. Present, ma'am. Iman and Present, ma'am. Faisal Manzoor. Present, ma'am. Faizan Akram. Ye Faizan kaun hai beta? Koi janta hai is Faizan ko? Ma'am, haath khada kiya ho uski. क्लास लेता नहीं है फिर कहते है मेरे पास लिंक नहीं आता फातिमा अजहर फिजा नवीद प्रेजेंट मैम गुले लाला प्रेजेंट मैम गुलशन सलीम प्रेजेंट मैम हाफिजा लाइबा प्रेजेंट मैम हाजरा तारिक प्रेजेंट मैम हमना ताहिर प्रेजेंट मैम हंसला सलीम हिना बास हिना अर्शद प्रेजेंट मैम हिरा तबस्सुम प्रेजेंट मैम हुमाय जास प्रेजेंट मैम मेरा सईद प्रेजेंट मैम राजभर प्रेजेंट इकरा बशीर इकरा कासिम प्रेजेंट मैम इकरा रफीक Present. Isma. Present, ma'am. Isma Khalid. Isra Ahmed. Present, ma'am. Javeri Atik. Present. Kainat Yaz. Present. Khadija Akbar. Present. Onan Fatma. Present, ma'am. Naiba Sarfaraz. Present. Mahad Mahmood.
Present ma'am. Maha Fatma. Present ma'am. Anur Khan. Present ma'am. Aruf Tahir. Present ma'am. Maitra Javed. Present ma'am. Malika Alia. Present. Manahil Kashif. Present. Maryam Rashid. Present. Amitra Bashir. Present. Present miss. बीच में मत बोला करें. मरियम माजिद. प्रेजेंट मैम. मरियम नाज. मुबीन तनवीर. प्रेजेंट मैम. प्रेजेंट. मोहम्मद हामिद. प्रेजेंट मैम. मोहम्मद शहबाज. मुनज्जा जहीर. प्रेजेंट मैम. नबिया ताहिर. Present ma'am. Neha. Present ma'am. Imra Naqvi. Present. Imra Shehzad. Present ma'am. Noor Fatma. Oshin Sajid. Present ma'am. Razia Naeem. Present ma'am. Rabia Ali. Present. Rabia Habib. Rabia Salman. Present. Rawat Abdul Rahman. Present ma'am. Ramesh Shaukat. Rawan Nadeem. Razia Batul. Rahman Tariq. Present ma'am. Present ma'am. Rizwanul Haq. Ma'am Razia Batul present. Rimsha Rashid. Rizwanul Haq. Present. Abba Arshad. Present ma'am. Sanaf Ilyas. Present ma'am. Saira Mehboob. Present ma'am. Samira. Present ma'am. Sana Shehzadi. Yes ma'am. Sara Ali. Mama, what is that? Savera Nasir. Present. Shahla Iqbal. Present. Sidra Abbas. Present ma'am. Sovia Mansoor. Present ma'am. Soha Amir. Present. Sayyida Bisma. Present. Sayyida Dua. Sayyida Manwa. Present ma'am. Sayyida Momina. Present. Sayyida Nurulain. Takreem Hamid. Tehreen. Present. Ma'am, iska net khatam hai. Iska net kharab hai. Tehreem Akram. Tirza Anwar. Present ma'am. Aruj Abzal. Ishna Nasir. Present ma'am. Present ma'am. Varda Fatma. Present ma'am. Varda Mustaqeem. Present ma'am. मैम फिजान अकरम का मैसेज है कि वो क्लास में उनके माइक का कोई इशू है. लास्ट वो कह रही है उसकी भी एब्सेंट लग रही है. हर क्लास में इसका माइक काम नहीं करता. पिछले 4-5 क्लासेस से ही एब्सेंट है. ज़ैन इफ्तिखार. यस मैम. ज़ैनब इमरान. प्रेजेंट मैम. ज़ैनब महबूब. प्रेजेंट. ज़ीनत अनवर. प्रेजेंट. Ziya Fatma. Present ma'am. Zoha Ahmed. Present ma'am. Ma'am Iqra Bashir present. Thank you so much. Ma'am Farid Asif present. Aap log kahan hote hain? Ye internet nahi aa raha wala bahana chhod de, koi naya bahana soch le aap log. Ma'am Sara Ali. Aap kahan thi?
मैम वो इंटरनेट एकदम से डिस्कनेक्ट हो गया था, पता नहीं अटेंडेंस के टाइम पे एकदम से कैसे डिस्कनेक्ट हो जाता है, यही बहाना है, मतलब कान पक गए मेरे, ये बहाना मैम फर्स्ट टाइम हुआ है मेरे साथ। मैम रीच आर से 13 16, आप क्या आती है, आपको क्या हुआ था? मैम मैंने बोला था शायद आवाज नहीं गई आपके पास। नहीं अब चले, अब मेरे पे डाल दें, शाबाश। मैम मेरी लगता है आज भी एब्सेंट लग गई है फिर। जी फिजान अकरम मैम मैं लास्ट क्लास में भी था, हैंड भी लेट किया था तब भी क्या नाम है एब्सेंट लग गई थी। आपको क्लास होते नहीं है ना, और पहले तो आपको नहीं नहीं मैं आज मैं कहती हूं कि एसएमएस प्रेजेंट आपका। ओके मैम रबिया जी को आपने एब्सेंट मार्क किया हुआ है? किसको? रबिया हबीब को। बेटा जब आप बोलेंगे नहीं तो एब्सेंट ही लगेगा ना, एक दफा आपका नाम लेके 3-4 सेकंड में वेट करती हूँ, उसके अंदर रिप्लाई नहीं आएगा तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल देन।